आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री दिगंबर जैन सभा ऋषभ विहार दिल्ली, चेयरमैन इंजीनियर विजय कुमार जैन, अध्यक्ष सुनील कुमार जैन, महामंत्री विपुल जैन एवं समस्त कार्यकारिणी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ज्ञान शक्ति समारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भुक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी से मिलने का सत्संग ये बहाना है, गुरुजी से मिलने का सत्संग ये बहाना है, चलो सत्संग में चले हमें गुरु गुण गाना है, चलो सत्संग में चले हमें गुरु गुण गाना है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ये बहाना है, चरणों की रज इनकी माथे से लगाना है, गुरु जी से मिलने का सत्संग ये बहाना है। जीवन का सार जग का का सारा जग ही दीवाना है, गुरु जी से मिलने का सत्संग ये बहाना है। करुणा का अमृत रस गुरुदेव बरसाते हैं, करुणा
सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें गुरु गुण गाना है, गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। नमोस्तु गुरुदेव। ओ राष्ट्र संत गुरु राज तू सिरजनहारा लागे से, मेरे राष्ट्र संत गुरु राज तू सिरजनहारा लागे से, मैं जपूं सवेरे शाम नाम बड़ा प्यारा लागे से, मां मुन्नी जी के लाल नाम बड़ा प्यारा लागे से। जगत में न्यारा लागे से, मैं जपूं सवेरे शाम नाम बड़ा प्यारा लागे से, मैं मुन्नी जी के लाल नाम बड़ा प्यारा लागे से। गगन में तेरे चरणा चारों धाम गुरु जी मन प्यारा लागे से, तेरे चरणा चारों धाम गुरु जी मन प्यारा लागे से, मैं जपूं सवेरे शाम नाम बड़ा प्यारा लागे से, मां मुन्नी जी के लाल नाम बड़ा प्यारा लागे से। बोले आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। तो बताओ कहाँ है भगवान, मुझे भी दिखाओ, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं। गुरुवर सच सच बताना, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, मैंने सुना है मन मन में भगवान विराज रहते हैं, अंतर मन में जागो तो हमें दिखाई देते, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, कहीं मेरा भगवान गुरुवर तुम भी तो नहीं। इतिहास लिखा जाता था, इतिहास लिखा जाएगा,
इतिहास लिखा जाता था, इतिहास लिखा जाएगा। जब भी नाम लिया जाएगा, जब भी नाम लिया जाएगा, सबसे पहले गुरुवर सुनील सागर जी का नाम लिया जाएगा। मैं बहुत सुंदर आएगा। तारो चेला बनू मैं, तारो चेला बनू मैं, हरे पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सातारो चेला बनू मैं, तारो चेला बनू मैं, हरे अगले मंगलाचरण हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चेरा जो दर्शन ज्ञान चर
तब आचारों के धारी, तब आचारों के धारी, जो मन वचन का आलम्बन धन निज चैतन्य बिहारी, ओ निज चैतन्य बिहारी, शाश्वत सुख दर्शन ज्ञान चरित में करते सदा बसेरा, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर सब पापों को हरते, वो सब पापों को हरते, चैतन्य राज की अनुपम निधिया जिसमें करें बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, गुरु सुनील सागर को बंधन मेरा, वो बंधन उनको मेरा है, परम दिगंबर मुद्रा जिनकी कनवन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, मैं बंधन उनको मेरा है, बंधन उनको मेरा है, बंधन उनको मेरा। जय बोलो आचार्य सुनील सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, नमोस्तु गुरुदेव। जाओ 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 जाओ, तेरी साधना 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 सच्चा सामने देखिए एक बार, एक बार इधर देखिए, ये इधर आ गया, इधर तो इतना तपस्वी है, पूरा संसार में तपस्या का नाम से तो जाना जाता है, अरे कुछ तो मेरे को दे। तो क्या होता है, समय करता हूँ, बैठता हूँ, उनके चरण पे फूल चढ़ाया हुआ था, ऐसा लंबे मूर्ति, लंबी मूर्ति मतलब लंबी मूर्ति, आगे लंबी मूर्ति थी और हम इधर नीचे बैठे समय कर रहा था, ऑटोमेटिक वो फूल आके मेरे पास गिरा, ऑटोमेटिकली फूल आके मेरे पास गिरा, वो फूल मैंने आचार्य जी को दिया, मतलब आचार्य जी बताया इस तरह से ये फूल, तो वो ऊर्जा बजाना मेरे सन्मत सागर जी गुरुदेव की, जोर से जयकारा बोलेंगे आचार्य सन्मत सागर जी गुरुदेव की, और ये गुरुराज के तो जय बोलेंगे आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोला आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, अब मेरे गुरुदेव का तो मैं क्या बोला हूं, हम श्रावक अवस्था में कितने मतलब सब मुनिराज को इतने मुनिराज देखे, इतने आचार्य देखे, सबके मतलब सेवा की, मतलब 10 साल तक सेवा की, फिर हमने एक मुनिराज को आचार्य से कुछ सब बोलते गुरु मुनिराज को आचार्य के पास जाओ तो परख करके जाना, हम लोग परख क्या करें, सामने दिखते हैं तो हमने हमको एक चीज दिखी, वो एक दिखा नारियल, हरा नारियल कैसा होता है आपको मालूम है, हरा मत बोलो, हरा ने सूखा वाला बोलो, नहीं हरा गुरु जी, हरा
हरा में पानी होता मीठा मीठा, उसको निकालने वाला चाहिए। उस पानी को कैसे निकालना है, उसमें तरीका चाहिए पानी को। सामने जाओगे तो मुट्ठे मारोगे तो हाथ को लगेगी, नारियल को मारोगे तो हाथ को लगेगी, मगर उसमें निकालने के लिए तरीका चाहिए। तरीका बोलोगे आप, बोलो इतना कड़क है कैसे कैसे निकाले उस तरीके को। अरे सीधा साधा तरीका है, उसका मुंडी है ऊपर ऐसा, उसके अंदर थोड़ा सा दिखा ऐसा करो, उसमें पानी निकलेगा, उससे अच्छे से पानी तरीका निकालना। गुरु के पास जाने के लिए अपने को तरीका चाहिए। बोलो जाओ गुरु के पास, बोला गुरु जी दर्शन नहीं देते। अरे तरीके से जाओ, अच्छा से अच्छा वंदना करो, जाओ गुरु क्या पसंद, देखो कितनी पसंद था चेहरे के अंदर। बोलो अच्छा से सुनी सागर महाराज कीजिए। अब बताता हूँ, योग्यो पादान योग्यन समता मता द्रव्यादि सपना वात्मो व्यत्मता। योग्य उपादान मिला है तो अपन उसका यूज कर लेना चाहिए। जैसे योग स्वर्ण और पाषाण मिलकर स्वर्ण बंदा माना जाता है, वैसा ही श्रावक बंदा मान लो तो अपना काम हो जाएगा। गुरुजी यहाँ आए हैं तो उस चीज का पूरा पूरा लाभ ले लो। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि संस्कार से रहो, अच्छे पढ़कहान करो, संस्कार से रहो, अच्छे परिवार से रहो। तो उसमें एक परिवार ऐसा जुड़ा उनको जो बोलते चार चार भाई पांच पांच भाई होने चाहिए, एक भाई चले जावे मुनि बन जावे, एक भाई राष्ट्र के धाम समर्थ हो जाए, हमेशा गुरु जी बोलते हैं। और एक भाई चौका मतलब शुद्ध भोजन, सब शुद्ध भोजन करे, गुरु आ जाए उनका हर प्रकार सब करे। तो वैसे एक परिवार सज्जन जोत का परिवार था पूरा, उनके अंदर एक भाई था फूल देवी वाला। तो फूल देवी परिवार सब क्या करते थे, फूल देवी परिवार वाला फूल क्या करते थे, हमेशा शुद्ध भोजन करते थे। अभी यहाँ तो शुद्ध गांव में तो शुद्ध भोजन करने वाले बहुत कम दिखते हैं। बोलो चौका लगा रहे गुरुजी पधारे रेसे विहार में, हर दिन हर घर वाला बाहर खड़ा होकर भड़कान करना चाहिए। भड़कान करने में गुरुजी को क्या लगता है, बोले तो बड़ी बड़ी थालियाँ तो लगती है नहीं उनको, दाल रोटी सीधा सिंपल बना दो, मूँग का दाल और अच्छी से थोड़ी सी मूँग की अच्छी सी दाल हो जाए और मट्ठा हो जाए तो थोड़ा गिलास मट्ठा उसमें थोड़ा पानी डाल के पूरा बना दो, अच्छे से आर होता है। वैसे ही वो परिवार क्या करते थे, उनको मालूम तो था नहीं आर कैसा क्या करना। तो फूल देवी को बोलते, फूल देवी जाती थी। आजकल औरतें क्या होती है, 20 से 25 औरतें एक साथ में चौके में जाती है, फिर उठा के दमा दो की मजाती है। तो फूल देवी भी जाती थी चौके में। तो फूल देवी का जो आदमी था मणि पारस मणि नाम था उसका, जल्दी करो महाराज। अच्छा दो एक मिनट बोलता था। तो अरे प्रसंग तो बहुत है, मैं क्या बोलो इनको। गुरु जी को भी फूल देवी का बेटा था। तो फूल देवी उससे चौके में जाते थे, ऐसे औरतें जाते थे चौके में। तो पारसमणि बोलता क्यों जाते हो, घर पे बनाओ। बोला नहीं नहीं। तो पारसमणि क्या करता था, एक परिवार की बात बता रहा हूँ मैं। पारसमणि क्या करता था, एक दिन तो हमेशा बोलता था, एक दिन खड़ा ही हो गया, क्या बनाया उसने घर में, बनाया केला, पक्का केला होता है ना, उसका सब्जी बना, दो मिनट लाइफ में लगता है। और उसे कुआ था गर्म पानी गर्म लगा के दाल बना दिया, बना रोटी बना के खड़ा हो गया। गुरु जी का आया, निकले गुरु जी चौके थे सब ने सब जगह गुरु जी के। तो फूल देवी बोलती है आचार्य से कौन से चौके में गए। तो लोग सब औरतें बोलते हैं आचार्य से कौन यार, चौका हो गए तीन चार चौके हैं गिनता दिन में। बोला नहीं नहीं, तुम्हारा फूल देवी तुम्हारे घर पे गए। फूल देवी बोले यार कैसे गए, उससे दिमाग में गया, वो पागल आदमी ने पागलगिरी किया होगा। तो बैठ के बैठे गई सिद्धी घर पे, बोला था आचार्य से पड़कान होगा, आचार्य से हार ले रहे अच्छे से। वैसे यार इधर ही हर घर में हर दिन पड़कान, हर गुरु जी बोलते हर दिन हर पड़कान होना चाहिए। अरे अच्छे से बनाओ, नहीं बना क्या होता है घर में झगड़ा हो जाता है फिर। इसके लिए सीधा सिंपल बनाओ, ज़्यादा बोलूँगा टाइम समय नहीं। नमस्ते गुरुदेव। बोला आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री बोलने का बहुत शब्द है, क्या बोलूँ गुरु जी, अगली बार बोलते हैं। ओम नमो जिनाणम बंदितो सब सिद्धे ध्रुवम चल मणोबम गदिम पत्ते ओच्छामी समय पाहुत मेडमो सुद केवली भणिदम।
तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलाभलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जयकार में दम होना चाहिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, कुली परम पुचरिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की बोली आचार्य संघ की जय करा गुरुदेव का। किसी ने पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारा घर द्वार कितना है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा निजात्मा से प्यार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा परमात्मा से प्यार कितना है। दुनिया में जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो लगभग इसी तरह कैसे हो, उत्तर क्या होता है, अच्छे हैं। और आजकल हाउ आर यू, उत्तर क्या होगा, आई एम रिफाइन फाइन। प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है, उत्तर भी ऐसे ही दिया जाता है, और इसके आगे कुछ भी बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है। जैसे उसने कहा कि अच्छे हैं, कि जैसे उसने कहा कि फाइन, वैसे ही चुपचाप वहां से निकल लो। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे असली बात चालू होगी। कह तो देंगे अच्छे हैं, सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। यानी सब कुछ ठीक होता तो आप यहां ना होते और हम भी यहां ना होते। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी हम यहां हैं। मतलब अगर गड़बड़ ना होती तो आप कहाँ होते, कृष्णा नगर होते क्या, चांदनी चौक होते क्या? नहीं, अगर कुछ गड़बड़ ना होती तो हम सिद्ध शिला पर होते। सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमने वस्तु व्यवस्था को नहीं समझा है। हम जो नहीं है वो हमने अपने आप को माना है। तपस्वी सम्राट का एक प्रवचन है और वो कहते हैं कि हर व्यक्ति कहता है आई एम समथिंग। छोटा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। बड़ा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। पढ़ा लिखा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। अनपढ़ आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। आई एम समथिंग मतलब क्या, समथिंग मीन्स मैं कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता है कि जो कहे आई एम नथिंग।
जब तक आई एम समथिंग करते रहते हैं तब तक वह समझ लो कुछ नहीं है, और जब उन्हें ये ख्याल आया आई एम नथिंग तो समझ लो वह सब कुछ है। आई एम समथिंग नॉट बट आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मैं नहीं हूं, मतलब क्या? अहंकार का दफन करना। अच्छा, आप जो कहते हैं कि मैं कुछ हूं उसमें आप किस चीज को गिनते हैं? किस चीज को गिनते हैं जी? इतने सारे लोगों ने आज मंगलाचरण करे, एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ी माँ तक ने इतने मंगलाचरण करे कि शायद दिल्ली में पहली बार इतने मंगलाचरण हुए होंगे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड हो सकता है। और सबके बोल एक से एक अच्छे अच्छे, एक सुंदर गीत। अब इसमें कोई हिसाब लगाएगा कि मेरी आवाज अच्छी रही, किसी का हिसाब होगा कि मैं बहुत अच्छे से खड़ा था, कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने माइक बहुत अच्छे से पकड़ा था, और कोई शख्स समझ रहा होगा कि बाकी लोग तो ऐसे ही खड़े थे, गा तो मैं ही रहा था। ठीक है, अब ये क्या हुआ? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। लेकिन हम उतना ही समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं हम, मैं कुछ हूं थोड़ा सा समझते हैं, मैं सब कुछ हूं ये क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, या तो आप अपने शब्दों की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने बॉडी लैंग्वेज की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने रंग की रूप की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने चलने चाल ढाल की प्रशंसा करेंगे, लेकिन वास्तव में ये सब चीजें क्या आपकी हैं? आप कहोगे हैं, गाया किसने, कौन गाता है? आत्मा गाती है? नहीं गाती है। फिर कौन गाता है? आत्मा नहीं गाती है तो शरीर भी नहीं गाता, फिर क्या हुआ? देह और जीव की मिली हुई जो विभाव दशा है उसमें इस तरह का गाने का राग आता है। ये कहना चाहते हैं आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी कि आत्मा इतना छोटा नहीं है। आत्मा तो कैसा है? आत्मा है पूर्ण, अपने में संपूर्ण, अनंत गुणी। कैसा है तो अपन सीधा समय सार की 49वीं गाथा पर बात करेंगे। ये गाथा जो है बहुत प्रसिद्ध गाथा है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी के पंच परमागमों में ये गाथा आई है। कौन सी गाथा? ये वाली 49 नंबर की। अरस मरूब मगंधम अब्बतम चेदड़ा गुणम सद्दम जान मलिंग गहणम जीवम निदिठ संथानम। ये गांधीनगर वाले कहाँ गए थे? नाश्ता करके आ गए ना, बहुत बढ़िया काम किया। सीखो कुछ समझदारी इन लोगों से। यानी सबसे पहले आस्था, उसके बाद लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पहले नाश्ता उसके बाद गुरु से कोई वास्ता। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ऐसे नहीं। पहले जिन पूजा फिर कोई
काम दूजा। अब ये गाथा बोलिए सभी, इसी पर आज अपन बहुत अच्छा मंथन करेंगे, आपको ध्यान में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी बोलिए, अरस मरूब मगंधम अब्बतम चेदिणा गुण मसदम जान मलिंग गहनम। कैसा है जीव, आत्मा कैसा है? कि वो छे आत्मा अनंत गुणों ने गोदाम छे, चैतन्य घन छे, आनंद स्वभावी छे। कि वो छे, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अरस। रस नहीं है आत्मा में, रस किस में होता है जी? फलों में होता है रस। रस किस में से निकलता है? जूस किसका बनता है? फलों से निकलता। फल क्या चीज है? पुद्गल की संरचना है। रस जो है वह पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता है। जीव एक भिन्न द्रव्य है, पुद्गल दूसरा भिन्न द्रव्य है। इसलिए जिसमें रस है वो पुद्गलात्मक रचनाएं हैं। आपके शरीर में रस है कि नहीं है? बोलो बोलो मुंबई वालों, शरीर में रस है। कौन सा रस है? एप्पल का रस है कि अनार का रस है? एप्पल और अनार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई खट्टा मीठा चरपरा कसायला ये कोई ना कोई तो है। अगर इसमें रस ना होता तो मच्छर क्यों काटने आते, बताइए आप? तर्क है, इसमें रस है इसलिए मच्छर पीने आता है। और जिसका जितना टेस्टी होता है मच्छर, उसको उतना ज्यादा कुछ लोग होते हैं मच्छर ही नहीं काटते उनको। क्यों नहीं काटते साहब? वो टेस्टी, किस किस को मच्छर नहीं काटते? आपको मच्छर नहीं काटते? वेरी, यू आर वेरी खडूस। हम तो परेशान है साहब, खूब ऊपर बैठते हैं सामायिक में तो पूरा उन्नी खूब मतलब पूरे शरीर पर, और सूजन भी आ जाती है, फिर खुजली भी चलती है, और फिर पूरी बॉडी पर आ जाती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे अपना भी थोड़ा मोटापा बढ़ गया हो, इधर भी कहीं भी। लेकिन क्या करें, अब जब रस वाली चीज का संयोग कर रखा है तो जिनकी रस लाने लायक है वो तो अपना काम करेंगे। अगर हमारा देह ना होता तो ये विकल्प भी ना होता, देह है तो ये तो होने वाला है। और एक बात, तुम्हारे लिए तो श्रावक जो हैं कोई व्यवस्था भी बना लेंगे, खिड़की पर वो जाली लगा दो, जाली दरवाजे पर लगा दो, लेकिन तुम ही छत पर जाके बैठ जाओ तो उसमें क्या कर सकते हैं? पूरे आसमान में तो नहीं लगा सकते ना जाली। यानी मुनियों की साधना तो ऐसे ही होती है। हमने गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की आंखों से देखा था एक गिरनार जी का प्रसंग। तेरा पंथित कोठी में मानस स्तंभ है, बीचों बीच बड़ा, वहां जाना हुआ और आचार्य महाराज अक्सर कर मानस स्तंभ की कटनी, चबूतरा जो होता है छकड़ा सा, इतने ही पर विश्राम करते थे। वो कभी ऐसे अपने जैसे आज तखत पर हम विश्राम करते हैं या आजकल साधु करते हैं, ऐसे तखत यूज नहीं करते थे। कभी नहीं देखा हमने तखत पर उनको बैठने का हो, कदाचित प्रवचन के लिए तो बैठेंगे, विश्राम के लिए तो ये इस टाइप की बेंच, अगर कोई ऊंची चीज है तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप की बेंच, और नहीं तो फिर वो 2 इंच 1 इंच का मोटा सिंपल सिंगल पटिया। वहां गर्मी का समय था, वो सीधे उसी पत्थर पर लेटे हुए थे सकड़ी कटनी पर। हम 9:15 बजे या 10 बजे बाहर गए तो देखा, ऐसे दूर से देखा
तो देखा कि जैसे कोई झीनी झीनी काली चादर महाराज जी के ऊपर डाल गया हो, जैसे झीनी चुनरी होती ना इस टाइप की, शरीर भी दिखता है। तो हमको ऐसा बहुत जोर से ऐसे लगा कि मतलब मामला क्या है, कौन डाल गया। जब हम पास में गए तो हल्का हल्का अंधेरा तो था, तो अंधेरे से भी ऐसा भ्रम हुआ। दूसरा पास में जाके देखा तो ढेर सारे मच्छर, मतलब वही एक तरह का पूरा आवरण बन रखा था ढेर सारे मच्छर। फिर भी वो आराम से उसी मुद्रा में चिंतन मनन में परिचय जय भाई, हम तो उनके वंशज हैं। पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो क्यों जी। तो थोड़ा 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 करके धीरे धीरे आते हैं गुण। खैर उदाहरण बीच में आ गया, समझना मूल है। अरस मरुव मगंधम अब्बतम चेदना गुण मसद्धम जान मलिंग गहणम जीवम निदिठ संठाण। मतलब क्या हुआ, सबसे पहला कौन सा शब्द है, अरस, रस नहीं है। दूसरा बोलिए, अरूप निकलेगा, अरसम अरूपम, अरूप है, रूप नहीं है। फिर तीसरा क्या निकलेगा, अगंध, जीव में आत्मा में कोई तरह की गंध भी नहीं है, कोई तरह का रूप भी नहीं है। अब तम, और कैसा है आत्मा, अव्यक्त है। कैसा है, अव्यक्त है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। और क्या है, चेतना गुण, कौन से गुण वाला है, चेतना गुण वाला है। असद्दम, शब्द नहीं है आत्मा, आत्मा न शब्द स्वभाव वाला है और न शब्द रूप है। और कैसा है, जीव जान अलिंग गहणम, किसी भी लिंग से ग्रहण करने में नहीं आता, किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। और कैसा है, हैं, अलिंग गहणम, हम चिन्ह बना रखे हैं, वास्तव में आत्मा का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है चैतन्य के सिवाय। अलिंग गहणम, और जीव है अनिर्दिष्ट संस्थान, एक सुनिश्चित कोई संस्थान नहीं है आपका, ज्ञानी समझो। हमने जिसे अपना समझ रखा है वो हम है ही नहीं। कभी कभी भ्रम हो जाता है, गुरुजी ने कहा जाओ बेटा भीतर से ग्रंथ उठा के लाओ। शिष्य भीतर गया, कुटिया में भीतर अंधेरा था और डर करके एकदम से बाहर आ गया। उसने कहा गुरुजी कुटिया में तो सांप है। गुरुजी ने कहा कि बेटे जाओ, मैं मंत्र पढ़ता हूं, सांप चला जाएगा, तुम ग्रंथ लेके आओ। फिर अंदर गया, खड़ा रहा, लेकिन ग्रंथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वापस आया, उसने कहा गुरुजी आपने कितना भी मंत्र पढ़ा हो लेकिन सांप कहीं गया नहीं, सांप तो वहीं है, हिलाई डुला नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके पास से निकल के ग्रंथ उठा के लाऊं। गुरुजी ने कहा अब ऐसा करो, ये जो दीपक रखा है ना, ये दीपक उठा के लेके जाओ और जाओ ग्रंथ लेके आओ, इसको देख करके सांप भाग जाएगा। दीपक लेके अंदर गए और अंदर जाके देखा तो दीपक के प्रकाश में धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा ये तो सांप नहीं है, क्या है,
रस्सी का टुकड़ा है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है और मैं इसे सांप समझ रहा था। धिक्कार है। ग्रंथ उठा के लाया बाहर, गुरुजी को दिया और कहा, गुरुजी मैं तो आज बिल्कुल मूर्ख बन गया। क्यों? मैं आज मूर्ख बन गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम आज मूर्ख नहीं बने हो, तुम तो हो ही मूर्ख पहले से। क्यों? गुरुजी ने कहा, देखो जैसे दीपक लेके गए और तुम्हें प्रकाश में मालूम पड़ गया कि रस्सी रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, सांप नहीं है, और दीपक के प्रकाश से निश्चय हो गया कि रस्सी है सांप नहीं है, ऐसे ही अगर तुम्हें सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तुम्हें निर्णय हो जाएगा, देह देह है, जीव जीव है, ये जो मैं मान के बैठा हूँ आत्मा, ये आत्मा नहीं है, आत्मा तो भीतर है, जानन स्वभाव वाला है। दोनों की भिन्नता यहां बताई गई है। रस किसका स्वभाव है? पुद्गल का। भाई आप दोनों की परिभाषा लाइए सामने। चैतन्य लक्षणों जीवाहा और स्पर्श रस गंध वाण युक्ताहा पुद्गला। जीव कैसा है? जिसमें चेतना लक्षण है। युवाओं समझ में आ रहा है? समझने में तो कोई बुराई नहीं है। जीव कैसा है? जिसमें चेतना है। जानन जो स्वभाव है, आप जो जान रहे हैं, कोई भी चीज को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, ये सब आपका स्वभाव है। आप ज्ञान स्वभाव वाले हैं, चाहे वो थोड़ा ज्ञान प्रकट हो चाहे ज्यादा ज्ञान प्रकट हो। और जड़ देह का स्वभाव क्या है? जड़पना। जीव देह को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा अरसम रूप, आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा, अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा, आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा, आकार से रहित है सुख का पिटारा। आत्मा में रस नहीं है महाराज जी, इसलिए आप एकदम नीरस हो, है ना? महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं, ना बहुत हंसते हैं, ना मिलजुल के बात करते हैं, ना कोई गप्पे लड़ाते हैं, हैं? अपन बैठ के और बातें करो, कुछ पूछो तो कुछ बताते भी नहीं हैं। महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं, नीरस खाते हैं और नीरस हो गए, यानी नीरस खाते हैं और नीरस हो जाते हैं। वास्तव में तो नीरस होना ही हमारा स्वभाव है। दोनों रस में थोड़ा अंतर है, जिसका व्यवहार मीठा होता है उसे सरस बोलते हैं, और जिसका व्यवहार उदासीनता वाला होता है उसे बोलते कि नहीं। तो महाराज जी कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? बहुत मीठे स्वभाव के हैं, मीठा खाते हैं, और भले मीठा खाओ मत खाओ लेकिन मीठे स्वभाव के जरूर बन जाओ। गुरुवर सन्मति सागर जी की, विमल सागर जी की, कुछ और संत, मीठे का त्याग था लेकिन व्यवहार व्यवहार मधुर था, अच्छा व्यवहार। या तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बहुत प्रेम से, सहजता से। अरस अरस स्वभाव है, रस स्वभाव है जड़ का, पुद्गल का। हमारा स्वभाव अरस है क्योंकि हम इंद्रिय वाले नहीं हैं। पुद्गल की परिभाषा भिन्न है, हमारी परिभाषा भिन्न है। जो निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न द्रव्यत्व वाला है, उस शुद्ध जीव में रस गुण विद्यमान नहीं है।
द्रव्येंद्रिय वाला भी नहीं है, भावेंद्रिय वाला भी नहीं है, अरस अरूप है। रूप देखते हो। और एक बात और सुनो, जिनको रस का ज्यादा लोभ होता है ना, उनको शुगर प्रॉब्लम हो जाता है। शुगर डायबिटीज, बहुत मिठाई खाते हैं, बहुत मनमाना भोजन खाते हैं, बार बार खाते हैं, कौन सी बीमारी हो जाती? ज्यादा नमक खाने वालों को कौन सी बीमारी होती है बोलो? बीपी हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है। कम नमक खाने वाले को कोई बीमारी नहीं होती है? गुरु महाराज ना, उनका नमक का त्याग था 18 साल की उम्र से और 72 साल तक उनको कोई बीपी लो नहीं होता था। आपका होता होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि ज्यादा रस खाने वालों को, रस का लालच रखने वालों को बीमारियां होती हैं। जो सहज शुद्ध भोजन करते हैं उनको प्रायः करके बीमारियां नहीं होती हैं। अगर अपन भोजन वाले रस की भी बात करो तो भी, वैसे तो चेतन के रस की बात करना है, और चेतन का रस तो क्या है? जिस शक्ति व्याप्त सर्वस्व, चैतन्य रस है बस, चैतन्य रसायन स्वरूपो हम। तो आत्मा अरस है, अरूप है, रूप नहीं है। आप किसकी एडवर्टाइज करते हैं बताइए? किसका विज्ञापन करते हैं आप? अपने चेतन का विज्ञापन करते हैं कि तन का? बोलो है? बहुत भूल में है, भ्रम में है। जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलेगा तब तक देह को आप अपना आत्मा समझते रहेंगे, देह जीव को एक समझते रहेंगे और इसी की एडवर्टाइज करते रहेंगे। किसको सजाते हैं आप ज्यादा से ज्यादा समय तक? रूप किसका है? रूप है पुद्गल का, बाल संभाल करके आए हैं, कंघी अच्छे से करके आए हैं, और अगर सिर पर कम बाल हैं तो इस प्रदेश के बाल, मान लीजिए कि अगर हरियाणा में पानी कम है तो पंजाब से मंगा लेते हैं, नदियां बह करके वहां से आ जाती हैं वहां तक। तो अगर इस प्रदेश के बाल इस प्रदेश तक पूरे ले जाते हैं, वहां पूरी भूमि को हरा भरा करते हैं। अब भाई ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, कोई बुरा नहीं मानना, समझने की बात है। कितना जीव को, जीव कहिए, जीव ही बोलेंगे ना, जीव और देह एक हो रहा है तो आपको जीव ही कहते हैं, चींटी को भी जीव ही कहते हैं व्यवहार में से। तो जीव को या इस आत्मा को, इस बहिरात्मा को कितना लोभ पड़ा रहता है देह का, रूप का, कि रूप को संभालते हैं। एडवर्टाइज किसकी करते हैं? रूप की करते हैं। सब क्या दिखाना चाहते हैं? अपना चेहरा। अभी हमारे पास आकर के फोटो खिंचवा रहे थे लोग, और ये जो है ना, ये सेल्फी पॉइंट हो गया है, अभी फोटो खिंचवाएंगे। आप ये नहीं समझना कि ये सारे के सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, फिर किस लिए आए हैं बताइए? भाई हम तो नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि सब इतनी शांति से बैठे, इतने दूर से आए हैं तो प्रवचन सुनने के लिए ही आए हैं। अपना रूप नहीं है जिसे हम संभाल रहे, बालों की कंघी कर रहे हैं, चेहरे को बार बार संभालते हैं, वस्त्रों को संभालते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, इधर से मांग निकालो, इधर बाल ऐसे करो, थोड़े बाल आगे हैं, कभी कभी देखते ना, कभी दिख जाता है, हम बैठे हैं और कोई आया है और जेब से, पीछे जेब में से निकालता है कंघी, क्या करते हैं? और अगर हवा में भूमि बंजर हो गई है तो वापिस कंघी से पेड़ वापिस उगा दिए जाते, क्या करें? अब ये तो स्वभाव है,
एक आयुष्य के बाद, एक उम्र के बाद बाल सफेद भी होते हैं, झड़ते भी हैं। अब ठीक है, स्वीकार करो। और आपको बताएं, कुछ लोग तो इतने दीवाने होते हैं अपने तन के कि अगर उनके बाल लुढ़ गए तो वो आत्महत्या तक कर लेते। सफेद दाग होते हैं ना, कैसे होते हैं, ज्यादा मसाले वाली चीजों से, और खासकर दूध, मक्खन, मिठाई और फिर मसाले वाली चीजें, इनका स्वभाव जो शरीर में जाके मिक्स हो जाता है, तो कई बार उसके रिएक्शन से या दवाओं के रिएक्शन से। और दाग हो गए ना तो ऐसे समझते हैं, हाँ अरे हो गए तो हो गए, इसी एक पर्याय को क्यों देखते बैठे हो, पिछली पर्याय में जीव ने कौन कौन से रूप धारण नहीं किए, इस तरह से विचार क्यों नहीं करते हो। अच्छा, पिछली पर्याय में भी जो रूप मिले थे वो भी तुम्हारा रूप नहीं है, इस पर्याय में जो मिला ये भी तुम्हारा रूप नहीं है, तब करके देव पर्याय भी मिल जाएगी तो वो भी तुम्हारा रूप नहीं है। रूप किसका है, पुद्गल का, पुद्गल का, जड़ का, मैटर का लक्षण है रूप, चेतना का नहीं है। ज्ञानियों, अरस, अरूप, अगंध, गंध स्वभाव भी नहीं है, चेतना गंध वाला नहीं है, सिद्धों में कोई गंध नहीं है, सुगंध दुर्गंध किसमें है, सुगंध दुर्गंध शरीर में, पसीना आ जाए ना ज्यादा, जिनको ज्यादा पसीना आता हो, जिनके शरीर से गंध आती हो ना, उनके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। लेकिन किसकी है वो गंध, पुद्गल की है, चेतन की नहीं है। ये हो सकता है कि चैतन्य आत्मा ने जैसे साता असाता शुभ अशुभ कर्म का अश्रुबंध कर लिया है, सुगंध दुगंध आदि प्रकृतियों का बंध किया है, तो उसका वैसे उदय होंगे, लेकिन लक्षण तो भिन्न है। सज्जनों ध्यान दो, गंध भी आत्मा की नहीं है, अव्यक्त है आत्मा, तो किसी इंद्रिय से पकड़ा नहीं जा सकता। बोलो, आज तक किसी ने आत्मा को देखा, आत्मा को भी नहीं देखा, परमात्मा को देखा, परमात्मा को भी नहीं देखा, वो तो शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, बस। आत्मा ज्ञान घन है, वो किसी लग बुस किसी इंद्रिय चिन्ह से पकड़ में नहीं आता है, वो ज्ञान के द्वारा पकड़ में आता है, स्वसंवेदन से पकड़ में आता है। ध्यान में बैठते हैं जब मुनि महाराज, और अपना ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, शांत स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, पूर्ण आनंद घन चैतन्य सरोवर में अवगाहन करते हैं। अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, और कैसा, चेदना गुण, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, चेतना गुण है, चैतन्य गुण है, जो किसी और में नहीं है, वो किस में है, हमारे आत्मा में है। जो जो आत्मा है उन सबों में चेतना है, यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक, एक इंद्री से पंच इंद्री तक, और त्रियंच गति से लेकर के और चारों गतियों में और सिद्धों में भी चेतना गुण है। चीटी में भी चेतना है, पेड़ पौधे में भी चेतना है। मंदिर के पीछे वाली गली से जाते हैं ना जब, तो कुछ पौधे की कुछ बेलें जो है ना, वो ऊपर से चढ़ करके और इधर से होकर के दूसरे छोर तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, अपने हिसाब से सहारा ले लेती हैं, यहां तक कि अगर आगे कुछ पकड़ने लायक है तो उनका मुड़ना भी उसी तरफ होता है। किसी ने अपने घर में तोरई या लौकी कभी उगाई, किसी ने, किसने उगाई, आप दो लोगों ने उगाई बस, हैं, आपने उगाई। आप देखिएगा, लौकी, तोरई या इस तरह के जो पौधे जब लगाए लगाई जाती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो
तो बीच में कुछ उनको पकड़ने लायक आता है ना, तो उनमें से बाजू में एक धागा उनकी इसमें से निकलेगा और उसको लपेटता है, फिर आगे चढ़ेगा, फिर वो वहाँ लपेटेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा और देखना बढ़ते हैं लगभग उस तरफ जहाँ कुछ सहारा मिलने की संभावना है आगे, जिसे वो जल्दी से कैच कर सकें उस तरफ बढ़ते हैं उसके हैं। अरीठे अरीठे ऐसे लगते हैं जो भी है, लेकिन देखो कितने इंद्रिय जीव है वो, एक इंद्रिय, कौन सा स्वभाव है उसका, भले वो भी मोह में ही है, पूरा मोह में होते तो कुछ ही पता नहीं है, आपको तो पता भी पड़ रहा, उसे तो कुछ भी पता नहीं। अंकुर भी फूटता है, कब फूटता है, जब उसे योग्य वातावरण मिलता है तो फूटता है, और अगर उसे योग्य वातावरण ना मिले तो छुपा रहता है जमीन के भीतर। उसको भी चेतना है, धूप लग जाए मुरझा जाता है, पानी मिल जाए, दो इंद्रिय आदि सभी, चूंकि वो देह और जीव संयुक्त दशा है, लेकिन इसमें ये समझो कि चेतना गुण तो उनमें भी है, चेतना गुण मसद्दम अशब्द है, जीव शब्द स्वभाव वाला नहीं है, हम शब्द पकड़ लेते हैं, शब्दों के कारण से दंगे फसाद हो जाते हैं, द्वंद्व खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम शब्द नहीं हैं, हम ज्ञान घनात्मा हैं, जान अलिंग गहरम, किसी लिंग विशेष से भी इसे नहीं पकड़ा जा सकता, पांचों इंद्रियों वाला नहीं है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, ये मन भी क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान इसका स्वभाव नहीं है, इसे क्षयोपशम से नहीं पकड़ा जा सकता। अलिंगक गहन बहुत लंबा बोल है, बहुत बड़ा विस्तार वाला विषय है, सिर्फ संक्षेप में ही समझो कि आत्मा को चेतना के द्वारा पकड़ा जा सकता है, किसी और चिन्ह से नहीं पकड़ा जा सकता। अनिर्दिष्ट संस्थान, संस्थान को लोग बहुत संभालते हैं, कैसा होना चाहिए, बोले कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होना चाहिए, बॉडी कैसी होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, कैसी, पतली छरहरी, और कितने ही छरहरी होने की कोशिश करो, धीरे 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 बेडोल हो ही जाते हैं। अरे समय बदलते सब बदल जाता है, युवावस्था में जो छाती 36 इंच की होती है, 56 इंच की होती है, अच्छा आपकी 56 इंच की है, और कमर 36 इंच की होती है, और समय बदलते छाती तो हो जाती है 36 इंच की और कमर हो जाती है 56 इंच की, क्या करेंगे आप, तो ये वाला संस्थान भी जीव का नहीं है, छरहरा वाला संस्थान भी जीव का नहीं है। आज इस देह, मनुष्य के देह वाले संस्थान को आपने अपना मान लिया, लेकिन कभी यह जीव त्रियंच पर्याय में गया तो वो संस्थान इसका नहीं है क्या, अगर व्यवहार से देखें तो वो संस्थान भी इसका है। आज इस संस्थान में संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन समय बदलते दूसरा संस्थान मिलेगा, ये सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। यानी विचार करना, जिस द्रव्य के संग्रह में आप इतना पुरुषार्थ करते हैं, वो सारा का सारा द्रव्य इस लोक का, इस लोक में यहाँ का यहीं रह जाता है, और चेतना अपने किसी दूसरे रास्ते निकल जाता है। कभी सीरियल और पिक्चर देखते हैं ना, उससे भी सीखा करो, पहले तो नहीं देखो लेकिन देखो तो सीखो, इतना दंगा करते हैं, इतना उठा पटक करते हैं, अंत में कोई कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। आप कहोगे अनिर्दिष्ट संस्थान मतलब क्या, इसका मतलब आपको जो संस्थान मिला है ना, जो आकार मिला है, क्या आत्मा इस आकार वाला है, अभी तो है क्योंकि कर्म संयुक्त दशा में है और इस आकार वाला है, तो हम कहेंगे हाँ हाँ इस आकार वाला है, लेकिन वास्तव में ऐसे किसी एक आकार में फिट होके रहना उसका स्वभाव है क्या, नहीं। जो आयु बंध करता है,
जो गति बंद करता है उस आयु में उस गति में जाकर के वैसा आकार मिलता है। अब एक इंद्रिय जीव देखो ऐसा पेड़ का रूप बन गया, दूसरा अशोक वृक्ष बन गया उसका वैसा रूप बन गया, तीसरा नींबू पर्याय में आ गया उसका थोड़ा सा और अलग रूप बन गया। इंसानों में भी कई तरह के चोले हैं, तो आत्मा इतने रूप वाला हो रहा है कर्माधीन होने के कारण से। वास्तव में वह किसी आकार वाला नहीं है, अमूर्त है, चैतन्यमय है। ऐसे अमूर्त चैतन्यमय निज तत्व का थोड़ा ध्यान किया करो, जब ये मालूम पड़ेगा रूप मेरा नहीं है तो रूप को ज्यादा सजाने का ख्याल भी कम होगा, रस मेरा नहीं है ज्यादा रसों का लोभ भी कम होगा, मेरा कोई संस्थान नहीं है इसी संस्थान को संभालने के लिए जो इतना जिम जाते हैं, इतना वर्चस्व करते हैं, इतना दुखी होते हैं। कई लोग जो मोटे हो जाते हैं ना ज्यादा जरूरत से ज्यादा, वो बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। अब जैसा है सो है, तो ये संस्थान जीव का स्वभाव नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान वाले आत्मा को पहचाने, पकड़े और चेतना के द्वारा निज का अनुभव करने का प्रयास करें। सारांश इतना है, देह में रहते हुए भी आप देह नहीं है, चेतन है। इसलिए चेतना के ज्ञान और शांत स्वभाव की जैसे रक्षा हो उस तरह का उद्यम करना, बहुत ज्यादा क्लेश करना या देह के लिए बहुत ज्यादा राग करना बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि बनाएं और ज्ञायक में तन्मय रहें, ज्ञायक में तल्लीन रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।